अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो नहायत करीम और रहीम है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन और कोरोना की अपडेट्स। आज की जो मेरी सबसे पहली अपडेट्स हैं उनमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें ICA के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा, सेकंड में आपको बताऊंगा तो ये वीज़े की तो 10 अगस्त का है और 17 अगस्त का है, और जो एक महीना लोग बोल रहे थे ग्रेस पीरियड के मिल गया है या क्या हुआ है उनके मुताबिक बताऊँगा, क्योंकि ये एक न्यूज़ आई है खरीद टाइम में जिसके मतलब मैं पूरी तफसील से आपको आगाह करूँगा ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। इससे पहले सबसे पहले बात करते हैं ICA की, क्यों अभी मे बी ICA की कल से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी ऐसी कि भाई अब उनका नया सिस्टम आ गया, अपडेट हो गया, ऐसा हो गया। तो मैं बताता हूँ कि अभी सिर्फ उन्होंने एक सिस्टम में थोड़ी चेंजिंग किया, क्या चेंजिंग किया तो वो भी सुन लें कि पहले जैसा कि इनका सिस्टम ये था कि अगर आप ICA की अप्रूवल लेते हैं तो साथ ही अप्रूवल के साथ थोड़ी देर बाद यानी कि आ जाता था कि आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। जब तक यानी कि आप कोरोना का टेस्ट नहीं कराते थे वो आपकी तो अप्रूवल ही होती थी, वो होल्ड हो जाती थी, यानी कि अप्रूवल शो नहीं होती थी कि अप्रूव हुई है, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। लेकिन ICA का सिस्टम अभी थोड़ा चेंज उन्होंने किया है कि अब जैसे ही आप अप्रूवल की अप्लाई करेंगे सही है ICA में, तो क्या आपकी साथ ही यानी कि कोरोना टेस्ट का तो आ जाएगा कि आप उसमें आप इंटर करें, वो होल्ड पे जाएगा, लेकिन साथ ही आपकी अप्रूवल शो होना शुरू हो जाएगी कि आपकी अप्रूवल आ चुकी है सही है, आप 22 डे के अंदर अंदर अपना कोरोना टेस्ट करवा के आ सकते हैं। मज़ीद अपडेट सुनने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आके शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को आके फिराना सदका जारिया होता है और इसमें आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके बाद तो नेक्स्ट आज की अपडेट है वो ये अपडेट है, जैसे कि आपको दोस्तों को पता है बहुत से दोस्तों ने मुझे भी वीडियो बहुत सी शेयर की जिसमें लोगों ने बहुत से दावे किए हुए थे, सही है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि तो 10 अगस्त के बाद भी आप लोगों को एक महीने का टाइम मिल गया है, आपको मिल जाएगा कोई मसला नहीं, ये नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले दिन से ये बोला था कि 10 अगस्त तक का ही टाइम, अगर नेक्स्ट उसके बाद आप वीज़ा को एक्सटेंड करेंगे तो एक महीने का टाइम है, लेकिन उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि आपको वीज़ा रिव्यू करवाना पड़ेगा। उसका मकसद ये है बात करने का, जो कि बहुत से यूट्यूबर और टिकटॉक वालों ने बहुत सी ऐसी वीडियो बना दी हैं जो कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, यानी कि बहुत से लोग कंफ्यूज हुए हैं, जो कि आज न्यूज़ आई है ये खरीज टाइम में, मैं अपने पास से नहीं बात कर रहा हूँ, खरीज टाइम में बोला कि लोगों का एक दूसरे के साथ मुकाबला था, क्योंकि मैं खुद बेजाते खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये बात करने में मुझे कोई अफसोस नहीं है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर खरीज टाइम और गल्फ न्यूज़ के और बाकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लेके उसके बाद ही आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो इनमें उन्होंने क्लियर दो तीन बातें बता दी जो कि मैं आपको बताता चाहूँ। एक तो ये आपको तो मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 10 अगस्त तक का टाइम है, सही है उन्होंने बोला कि 10 अगस्त तक का जितना भी टाइम है जितनी भी स्टेट है उन सबको है कि 10 अगस्त तक जितने भी वीज़ा जिनके एक्सपायर हुए थे मार्च के बाद के वो जा सकते हैं, और जिनके मार्च से पहले के एक्सपायर हैं या जिन पे फैन हैं तो उन तक उन्होंने टाइम दिया था 17 अगस्त तक का, सही है 17 अगस्त का, लेकिन मैंने सब दोस्तों को बोला था कि जल्दी जा सकते हैं तो कोशिश करें जल्दी चले जाएँ। तो इसमें एक और बात भी बताता हूँ कि जो 10 अगस्त तक का टाइम है वो दुबई में है, लेकिन तो उसके बाद यानी कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके वीज़े थे एक महीना के या दो महीने के, तो यानी कि वीज़े एक्सटेंड नहीं हो सकते थे। इसका मतलब यह है कि वीज़े एक्सटेंड नहीं हो सकते थे बहुत से लोगों के, यानी कि वीज़ा रिव्यू नहीं हो सकते हैं। आपको ही पता है जो लोग एक महीने का वीज़ा लेते हैं उनका वीज़ा रिव्यू नहीं होता है, सही है टर्म एंड कंडीशन है UAE के वीज़ों की। उन UAE गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया था हम उनको एक महीना और देंगे, यानी कि वो अपना वीज़ा रिव्यू करवा सकते हैं, वो लोग जिनके वीज़े एक महीने के थे आए थे वो UAE के अंदर लेकिन वो कोरोना की वजह से फंस गए थे। लेकिन बहुत से मेरे माशाल्लाह से दोस्त यूट्यूबर हैं उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की है, बल्कि उन्होंने उसके अगेंस्ट ही इन्फॉर्मेशन दी है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सब दोस्तों को पता है कि दो दिन के बाद 10 अगस्त भी आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। सिर्फ ये है कि आप पैसे दें और वीज़ा रिव्यू करवाएँ। इसके अलावा आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि ICA की तरफ से ये बार भी क्लियर कर दी गई है कि जिन लोगों के फ़ैन हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी एम्बेसियों से रब्ता कर लें, और हो सके तो जल्द से जल्द वो यानी कि टिकटें लेके 17 अगस्त से पहले चले जाएं, क्योंकि अदरवाइज अगर नहीं जाएंगे तो उन पे फ़ैन वो दोबारा वापस आ जाएगा जो फ़ैन उन पे वाफ हुआ था। इसके अलावा तो इन लोगों के एक्सपायर वीज़े हुए हैं तो स्पेशली दो दुबई में दोस्त रह रहे हैं तो बता जाऊँ उन पे तो फ़ैन स्टार्ट होंगे वो 12 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा 12 जुलाई से आपसे फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 महीने का फ़ैन उन पर पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि 10 अगस्त तक का टिकट आपको महंगी भी मिल रही है जाने की कोशिश करें, सब दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और इसके बाद की तो एक और मजीद अपडेट आई थी आज गल्फ न्यूज़ में जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसमें उन्होंने बताया था कि वीज़ों के रेट्स के मुताबिक तो बता रहा हूँ कि अबूजैबी सिटी में उन्होंने बोला कि जिन लोगों के वीज़े कैंसिल हो चुके हैं अगर वो वीज़ा लेते हैं तो उनको तो उन्होंने बोला कि मिनिमम तो वीज़ा मिलेगा 3 महीने का वो मिलेगा 1600 का, सही है। और तो मैं और कुछ एजेंसी यानी कि जो ट्रैवल एजेंट हैं वो देंगे 1750 तक की प्राइस उन्होंने बताई है।
और तो वही में है, उनको बताया जाता है कि वीज़े कैंसिल हो चुके हैं, अगर वो वीज़ा चेंज करते हैं अपना सही है तो उनको वीज़ा तो मिलेगा। वो 1276 तो फीस है उसकी, और इसके अलावा तकरीबन 558 दरम उसमें तो फीस है, वो है उसकी इनोट होने की। टोटल तो फीस बन जाएगी 1834 दरम है जो उसको पे करना पड़ेगा ओके वीज़ा के लिए लाजम। इसके बाद की तो नेक्स्ट आज की अपडेट न्यूज़ है वो स्पेशल चीज़ें मेरे इंडिया के भाई हैं उनको मैं बताता जाऊँ। जिन लोगों पे कोई फ़ैन है और 17 अगस्त तक जाना चाहते हैं तो उनको 8 अगस्त तक का टाइम है, यानी कि आज विरोध 8 अगस्त तक का उन्होंने टाइम दिया, 8 से 9 अगस्त तक, यानी कि वो अपनी तो ऑनलाइन इंडियन एम्बेसी की तो यानी कि वेबसाइट है उस पर खुद को रजिस्टर करवा दें ताकि उनको टिकट मिल सके। क्योंकि RIT ये आज की न्यूज़ है कि RIT तो टिकट की डिमांड है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और मे बी काफ़ी हद तक जो टिकटें हैं वो बुकिंग हो चुकी है 17 अगस्त तक, यानी कि बाद में मे बी उनको टिकट ना मिले। इसलिए कोशिश करें कि उन्होंने जाना है वापस तो कोशिश करें टिकट जल्द से जल्द बुक करवा लें और ऑनलाइन अपनी रजिस्टर करवा लें। इसके बाद की तो आज की गल्फ न्यूज़ की न्यूज़ है वो एक बहुत अफसोसनाक न्यूज़ आई है इंडिया की तरफ से कि दुबई से केरला जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के तो मुसाफर पलदार जहाज़ था वो रनवे पे लैंडिंग के दौरान यानी कि तबाह हो गया, और उसके तकरीबन स्लिपिंग की वजह से उसके दो हिस्सों में तकसीम हो गया जिसमें तकरीबन 17 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए, जो कि एक बहुत अफसोसनाक खबर है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमीर अदा फरमाए। इसके बाद की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी मेरे जितने भी इंडिया के भाई दोस्त हैं उनके लिए है, लेकिन एक बार बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसमें बहुत से सवाल आज फिर एक तो गल्फ न्यूज़ का नुमाइंदा है वो ये है इंडिया एम्बेसी के अंदर, तो उसने उनके तो आपका इंडिया एम्बेसी का सफ़ीर है उससे बहुत से सवालों के जवाब लिए हैं, जैसे कि कुछ सवाल ये आपके सामने आ भी रहे हैं। इसके अलावा इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वन बाई वन जितने भी सवालों के जवाब हैं, मे बी इनमें कुछ आपके सवाल हों दिमाग में जिनके जवाब मौजूद हों। इसके बाद भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है दुबई की तरफ से कि स्पेशली तो दुबई की टैक्सी थी, जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि ये तब कोरोना का मसला स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने उसके दरमियान में टैक्सी के अंदर सेफ्टी लगा दी थी, यानी कि एक उनके शीट लगा दी थी जिससे यानी कि कोई एक दूसरे से जरसीम है वो शिफ्ट ना हो। लेकिन शुक्र अलहमदुल्ला आज की न्यूज़ ये है कि उन्होंने बहुत सी टैक्सियों के अंदर से वो उन्होंने रिमूव करना शुरू कर दिया, लेकिन तो एयरपोर्ट की टैक्सियाँ तहाल उसके अंदर मौजूद है, लेकिन तो अगर सिटी के अंदर चलने में टैक्सियाँ उनके अंदर काफ़ी टैक्सियों के अंदर वो उन्होंने जो सेफ्टी है वो ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसका बात बताने का मकसद ये है कि शुक्र अलहमदुल्ला तो UAE है वो वापस अपने कदमों पर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है, और इनकी तो कारोबार है वापस इंशाल्लाह एक दिन दोबारा सेम अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। इसके बाद अगर हाथ से हम नज़र डालते हैं UAE के कोरोना केसेस पे, तो UAE में तो कोरोना केसेस आए उनकी 260 या जो अब तक टोटल हो चुके हैं, उनकी रिटायर्ड है 62,061 और जो अब तक माशाल्लाह से रिकवर हो चुके हैं उनकी 56,015 है। इसके बाद अगर हम नज़र डालते हैं इंडिया के कोरोना केसेस पे, तो आज तो इंडिया में कोरोना केसेज आए हैं उनकी रिटायर्ड है 61,455 और टोटल हो चुके हैं उनकी 20,86,864 और जो अब तक रिकवर हो चुके हैं उनकी 14,27,669 है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो कोरोना केसेज आए हैं उनकी तादाद ये है, आज तो पाकिस्तान में कोरोना केसेज आए हैं उनकी तादाद तो है वो है 782 और जो अब तक टोटल हो चुके हैं उनकी 2,82,645 और जो अब तक रिकवर हो चुके हैं उनकी 2,58,099 है। और मेरे वो दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन दोस्तों ने ऑलरेडी कर लिया कर चुके हैं करने वाले हैं उन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।